दोस्तों फाइटर मूवी का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपने करियर में 6 से 7 एक्शन मूवी कर चुके हैं और उनमें से कुछ फेमस मूवी है वॉर, पठान और अब ये इनकी नई मूवी है फाइटर। फाइटर मूवी सिद्धार्थ आनंद के साथ ऋतिक रोशन की ये तीसरी मूवी है। इससे पहले सिद्धार्थ आनंद ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग और वॉर जैसी सुपर हिट एक्शन मूवी बना चुके हैं। अब देखो खास बात तो ये कि सिद्धार्थ आनंद की एक भी एक्शन मूवी आज तक फ्लॉप नहीं हुई है और जो सिद्धार्थ आनंद की लास्ट मूवी पठान थी वो सिर्फ इनके करियर की नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में से एक बन चुकी है। अब ऋतिक रोशन के फैंस इतना तो चाहेंगे कि फाइटर कम से कम पठान की तरह 1000 करोड़ नहीं तो कम से कम 500 करोड़ तो कमा ले, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी बिग बजट एक्शन मूवी सुपरहिट तभी कहलाएगी जब वो बॉक्स ऑफिस पे 500 से 600 करोड़ का कमाई कर पाएगी। अब देखो मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फाइटर मूवी पुलवामा अटैक और उसके बाद इंडियन फोर्स द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक पे ये मूवी होने वाली है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद साफ पता चल गया कि इस मूवी में कहानी क्या है और ये मूवी कैसी होने वाली है। अब देखो जब से इस मूवी का ट्रेलर आया ये ट्रेलर ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ये ट्रेलर काफी हद तक पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इस ट्रेलर से एक शिकायत है। अब देखो ये मूवी पुलवामा अटैक और एयर स्ट्राइक पे बनी है, ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। अब ऐसे पेट्रियोटिक मूवी में बीच पे अदरंगियों के डांस करना और उस पे रोमांटिक सॉन्ग बजाना मुझे तो ऐसी चीजें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब ये मूवी ऑडियंस को कितना पसंद आती है ये तो 25 जनवरी को पता चलेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम इसी तरह मिलते रहें।